ओके तो लास्ट क्लास में हम लोग ने आरआरबी एलपी सीबीटी 1 में जो प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 फाइनल हो चुका है। ये हमारा आज का क्लास जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, ठीक है। रेलवे साइंस रिगार्डिंग यहाँ पे हम क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखे हैं तो जाके आप प्ले लिस्ट में चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम देख रहे थे, क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए क्वेश्चन आपका ये है आपका कि एक तत्व ए है, ठीक है, फार्मूला इतना के साथ ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। कोई एलिमेंट ए है और यहाँ पे फार्मूला जो आपका A3O4, ये आपका फार्मूला है, इसके साथ क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये कह रहा है तो तत्व ए की संयोजकता क्या है, ठीक है। वैलेंस, ठीक है, तो संयोजकता क्या होता है कि किसी तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की जो क्षमता होती है क्या कहलाती है, आपकी संयोजकता कहलाती है, ठीक है। तो ये आपकी संयोजकता था, तो यहाँ पे ए की जो आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, ए की देखेंगे यहाँ पे A3O4 है तो यहाँ पे ए का क्या, इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और मान लीजिए इसे ए, ये आपका क्या है, ये आपका ए है, मान लीजिए ये ऑक्सीजन जो है बी है यहाँ पे, तो बी का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ए की पूछ रहा था तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है आपका त्याग कर रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कितना वैलेंसी हो। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट आपका यहाँ पे क्या है, सोडियम है, और एक आपका क्लोरीन गैस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका, देखिए सोडियम है ना, देखिए एक मान लीजिए आपका सोडियम है, ठीक है, और एक आप मान लीजिए आपका क्लोरीन है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, इसका कितना होता है, 17, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए इसको लिखते हैं 2, 8 और यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है, 2, 8, 1 लिखते हैं, क्योंकि इसका 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो 1s2, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बनेगा 2 और ये बनेगा 8, ये 8 बनेगा, ये 2 बनेगा, फिर ये 3s1 ये बनेगा, तो 1 हो जाएगा, तो 2, 8, 1 ये आपका बनता है, ठीक है। इसी को अगर आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप उसके देखें, जैसे मान लीजिए अगर आप सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन, जिसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ये आपका त्यागता है, यहाँ पर आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कितना बनेगा, 2 और 8 बनेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं इसकी जो वैलेंसी होगी, ठीक है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए ये है आपका, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर आप क्लोरीन का निकालते हैं तो क्लोरीन कितना, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कितना बनेगा, ये होता है 2, 8, ठीक है, और ये होता है आपका 2, 8, 7, क्योंकि ये 2, 8, 10 और ये 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका भी क्या होगा, वैलेंसी जो होगा आपका, ये भी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, वैलेंसी जो है यहाँ पे अगर त्यागे या ग्रहण करे तो भी यहाँ पे इस तरह से कितना जो है आपका इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ग्रहण करे, उस हिसाब से यहाँ पे आपका किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की जो वैलेंसी होगी 4 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे, इसमें मतलब होती है, ठीक है, इससे होती है, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया ABCD, इनमें से कौन है जो, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्राथमिक वृद्धि होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लंबवत, ये आपका दिया गया है, विभाज्योतक दिया गया है, उसके बाद से पार्श्व दिया गया है, अंतर्वेशी दिया गया है, शीर्ष दिया गया है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे पौधों की प्राथमिक वृद्धि होती है किससे होती है, या अंतर्वेशी विभाज्योतक से होती है, ठीक है, और एक होता है शीर्ष से, ठीक है, ये शीर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर C और D जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा कि आपका यहाँ पे अंतर्वेशी और शीर्ष जो है विभाज्योतक के द्वारा यहाँ पे प्राथमिक वृद्धि पौधों में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और होती है, विभाज्योतक उत्तक होती है, ठीक है। ये जो आपका शब्द है ये आपका यहाँ पे ये क्या होगा, विभाज्योतक, यहाँ पे एक होता है आपका उत्तक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, देखिए ये क्या होती है, इसमें ये कोशिका का ऐसा समूह होता है जिसमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा विभाज्योतक उत्तक, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर B जो सही हो जाएगा, C और D, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बायोगैस जो होता है उसका, उसमें आपको मीथेन का जो है यहाँ प्रतिशत पूछा गया है। मीथेन का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, ये आपका होता है CH4, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्स गैस, ठीक है, मार्स गैस भी बोलते हैं। और ये आपका एल्केन श्रेणी का है, ठीक है, एल्केन श्रेणी का होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, आपको पता है एल्केन का ये फार्मूला होता है। एल्किन का क्या होता है,
यहाँ पे अगर एल्किन की बात करें तो ये होता है CnH2n और एल्काइन। एल्काइन क्या होता है यहाँ पे आप देखेंगे CnH2n-2 ये होता है, तो ये एल्केन श्रेणी का ये आपको जो है ये होता है जो है आपका मेथेन गैस, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर मेथेन की बात करें यहाँ पे मेथेन की, तो कितना होता है आपका 60 से 70% होता है, ठीक है। एक और यहाँ पे गैस होता है आपका CO2 गैस होता है, ठीक है, तो ये आपका होता है 30 से 40% इसमें होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपका जो है अलग गैस होता है H2S गैस भी इसमें होता है। तो मेथेन का पूछ रहा था तो 60 से 70, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 60%, ठीक है, 60% हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है, तो आपको वाट का बताना है, किलो वाट का बताना है। यहाँ पे एक किलो वाट क्या होता है, एक HP किसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोर्थ का क्या होगा, एक हार्स पावर जो एक HP होता है किसके बराबर होता है, 746 वाट के, ठीक है। यहाँ मिलान आपको करना है, तो ये आपका डी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो फोर्थ का डी हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे C3 का देखें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक किलो वाट किसके बराबर होता है, ये देखिए 10 की पावर 6 होगा यहाँ पे, ठीक है, 3 × 3.6 × 10 की पावर 6 एक किलो वाट घंटा आपका इसके बी के बराबर हो जाता है। इसको कल हम जो बोले जो प्रैक्टिस से 10 नंबर देखे हैं उसमें इसको जो है वहाँ पे जो सॉल्व करके देखे हैं आंसर आया था ये आपका इसी तरह से, ठीक है, इसको जाके चाहें तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो एक किलो वाट यहाँ पर होगा किसके बराबर होगा, 1000 वाट के बराबर, और वाट क्या होगा यहाँ पे जो है ये आपका न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका मिलान होगा। अगर ए का देखें आप तो ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा, ठीक है, ए का यहाँ पे एक का ए होगा, दो का क्या होगा यहाँ पे, दो का आपका सी आ जाएगा, ठीक है, और थ्री का क्या आएगा यहाँ पे, थ्री का आपका बी आएगा, ठीक है, और फोर्थ का आपका डी आएगा, यानी कि ए सी बी डी। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर मिलान करना था। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, ठीक है। अगला देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के मान आप देखेंगे यहाँ पर दिया है 10.8, तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद से आपका दिया गया है 9.6, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। आप देखेंगे 9.8, ये दोनों आपका होता है 9.8, ठीक है, लेकिन इनमें देखेंगे आप दोनों सेम है। यहाँ पर देखेंगे सेंटीमीटर है प्रति वर्ग सेकेंड है, यहाँ पे मीटर है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका जी का जो है वैल्यू यहाँ पर होता है 9.8, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त, ठीक है, ऐसा एसिड जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य जो है आपका एलिमेंट यहाँ पे अधात्विक एलिमेंट होते हैं, इस तरह के क्या कहते हैं उसको हाइड्रॉक्सिड्स बोलते हैं या अनाक्सी अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखिए, डायरेक्ट यहाँ पे आपका जो है स्टेटमेंट बोल दिया है, तो इसका देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है कि हाइड्रॉक्सिड्स और अनाक्सी एसिड इसको कहा जाता है, जिसमें क्या हो हाइड्रोजन के साथ आपके ऑक्सीजन के अतिरिक्त, ठीक है, अन्य अधात्विक तत्व हो तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पे हाइड्रॉक्सिड्स और अनाक्सी अम्ल, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम जो है पिछली सेट में भी देख चुके हैं, वहाँ पर किससे दिखाया जाता है 2n² दिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2n² आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। अगर प्रथम कक्षा के लिए देखें यहाँ पे प्रथम कक्षा की बात करें तो n बराबर कितना होगा, यहाँ पे प्रथम कक्षा के n बराबर आपका 1 होगा, तो यह है 2n², यानी कि क्या हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा 1² तो कितना हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा। द्वितीय कक्षा के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 2 होगा। इसी तरह से 2n² करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा 2² यानी कि 2 × ये हो जाएगा 4 यानी कि ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। इसी तरह से अगर आप तृतीय कक्षा के देखें तो n बराबर क्या करेंगे 3 करेंगे, और n बराबर चतुर्थ के लिए फोर्थ के लिए आपका यहाँ पे होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 × n² यानी कि ये हो जाएगा 2 × 3² तो ये हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा 9 तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। और 4 के लिए अगर आप देखें तो इसी तरह से 2n² करेंगे
तो ये हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा 16 दुना, ये हो जाएगा आपका 32, ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपको प्रथम द्वितीय तृतीय फोर्थ जो है एन बराबर जो है वहाँ पे वैल्यू रख के आप बता सकते हैं कितने यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी, ठीक है। और किसी भी यहाँ पे आप देखेंगे एलिमेंट में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है, यहाँ पे 8 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 2n² आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ है कि मादा प्रजनन भाग होता है पुष्प के मध्य में स्थित, ठीक है। तो मादा प्रजनन भाग कहाँ होता है पुष्प के मध्य भाग में स्थित, अंडब जो होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा अंडब, ठीक है, कार्पल्स होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है, ठीक है, बायोगैस। अभी हम देखें बायोगैस में कौन कौन सी गैस होती है, यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे H2S होता था, मीथेन होता था, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है CH4CO2, इसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो है ये आपका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड घटक यहाँ पूछ रहा है कि घटक नहीं है, तो CO हो जाएगा, इसका घटक नहीं है बायोगैस का। और यहाँ पे अगर इसका अणु भार की बात करें तो इसका कितना होता है, कार्बन का 12 एटॉमिक वेट होता है, इसका कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपको 8, ये 2, 28 इसका क्या हो जाएगा अणु भार इसका हो जाएगा, ठीक है, अणु भार इसका क्या हो जाएगा 28, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है। और CO जो मुख्यतः जो आपको जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये किससे होता है, जैसे गाड़ियों जो चलती है उसके धुएं में क्या होता है आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है, जो कैंसर तक के बीमारियों को पैदा करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों के कौन सा तत्व अंतिम तत्व है, ठीक है। तो न्यूलैंड के अष्टकों के नियम का यहाँ पे आपको बोल रहा है कि निम्न तत्व कौन सा अंतिम तत्व है। तो आपको पता है कि न्यूलैंड के समय तक कितने तत्वों को ज्ञात किया गया था, ये आपका 56 ही था, जिसके इससे जितने तत्वों को आपको जो है ज्ञात यहाँ पे किया गया था, ठीक है, 56 तत्वों। तो जो यहाँ पे अंतिम तत्व होगा ये क्या होगा आपका थोरियम होता है, ठीक है, थोरियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है 90, और एटॉमिक मास कितना होता है 232, एटॉमिक वेट इस नंबर कितना होता है 9, और ये होता है आपका 232, ठीक है। जो थोरियम होता है क्या होता है आपका एफ ब्लॉक में आप देखेंगे एफ ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक यहाँ पे आपका होता है, उसमें दो यहाँ पे ग्रुप आपको यहाँ होता है, एक होता है लेंथेनाइड, ठीक है, और ये होता है एक्टिनाइड, ठीक है। तो इसमें एक्टिनाइड के बाद यहाँ आपका थोरियम आता है, ठीक है, थोरियम, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 90, मास नंबर कितना होता है 232, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे आपको जो पूछा था अंतिम तत्व क्या है, थोरियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल, ठीक है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, ठीक है, दोनों वस्तुओं के जो है यहाँ पे मध्य का बल बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया है, ठीक है। तो न्यूटन का कौन सा नियम, तृतीय नियम में, ठीक है, तृतीय नियम में दिया गया है। और तृतीय नियम क्या होता है न्यूटन का, कि ये बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल होता है, ठीक है, यह आपका तृतीय नियम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे गति का तृतीय नियम, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर इतना किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करिए, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए, जब आपको जो कार्य करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, आपको वर्क क्या होता है, ये होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है कॉस थीटा। अब एंगल जो है ये आपका कितना बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब कास 90 हो जाएगा तो आपका देखिए ये आपका जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये परस्पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री यहाँ बनेगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 90 है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो वर्क भी आपका क्या आएगा यहाँ पे 0 जूल आपका निकल के आएगा, ठीक है, वर्क भी आपका 0 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों डिस्प्ले जो आपके परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो यहाँ पे 0 आपका ये आंसर हो जाएगा, वर्क यहाँ पे 0 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे नमनीय और तन्यशील धातु, ठीक है, तो सबसे नमनीय और तन्यशील धातु इसमें से क्या है, लेड है, गोल्ड है, सिल्वर है, कार्बन है, तो क्या हो जाएगा गोल्ड, ठीक है। गोल्ड आपका सबसे ज़्यादा क्या होता है नमनीय और तन्यशील होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 79 और एटॉमिक मास ये होता है आपका 196, ठीक है, ये आपका होता है। और ये विद्युत का और ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है, सुचालक होता है विद्युत और ऊष्मा का, ये सुचालक होता है गोल्ड, ठीक है, ये गोल्ड। और ये किस ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है,
डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है गोल्ड, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो सांस लेने को नियंत्रित कौन करता है, मज्जा करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है मज्जा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मज्जा जो है ये आपका मस्तिष्क के सांस लेने के हिस्सा को नियंत्रित करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। आपको गलत बताना है कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेटों और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो ये आपका सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पे जो HCl है इसको बोला है कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है इसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है, ठीक है। तो तीनों आपके सही हैं, ये प्रबल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है कि अम्ल व रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद जो है आपका नमकीन होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है स्वाद नमकीन, ये आपका गलत है, नमकीन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। स्वाद नमकीन नहीं होता है, यहाँ पे आपका जो है खट्टा नमकीन होता है, ठीक है। खट्टा इसका नमकीन होता है, इसका जो स्वाद है ये आपका खट्टा होता है, ना कि नमकीन। तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये विद्युत के आपका क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो आपके प्रबल अम्ल हैं ये नहीं, आपका जो आपका प्रबल अम्ल है ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रबल अम्ल हो, ये आपका क्या होता है, ये सुचालक होता है विद्युत के, ठीक है। ये आपके विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे तो इसका आंसर जो आपका गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका कि DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है, ठीक है। तो DNA का एक यहाँ पे प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है खंड, उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीन इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि DNA के खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसको जीन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ और है, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, ठीक है। आत्महत्या की थैली, ठीक है, आत्महत्या की थैली यहाँ पे इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लाइसोसोम को भी इसको याद रखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज के लिए मुझे दही, अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो इनको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या आपको कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।